हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं रिव्यू कर रहा हूँ द अल्टीमेट एंड सुपर लग्जूरियस एसयूवी द ऑडी Q8। ये इसका पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, दिस इज द अल्टीमेट ऑडी Q8 2020 मॉडल। तो ये बहुत ही बढ़िया एसयूवी है, एकदम सुपर एसयूवी। तो सबसे पहले इसका वॉक अराउंड देख लेते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले इसके फ्रंट पार्ट की बात कर लेते हैं। इसमें आपको एलईडी मैट्रिक्स हेडलैम्प्स मिलेंगे और ये यहाँ पे टर्न इंडिकेटर और DRLs आते हैं डुअल फंक्शन में। नीचे की तरफ यहाँ पर एक और प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाएगा और यहाँ पर आपको वॉशर मिल जाएगा। इधर आपको फॉग लाइट नहीं मिलती है, बट यहाँ पर ये ग्रिल दी हुई है, बट फॉग लाइट की जो कमी है वो आपको महसूस नहीं होगी क्योंकि इसकी जो हेडलैम्प्स हैं वही बहुत पावरफुल रहते हैं। फिर ये है इसकी मैसिव ग्रिल, इस पर ये ग्रे वर्क विद क्रोम सराउंड्स बहुत बढ़िया लग रहा है और ऑडी का लोगो जो सामने इसको एकदम रोड प्रेजेंस देता है। और मतलब ये कार अगर कहीं से निकल रही है तो एक ना एक बार हर एक जने की आंखें इस कार पे ज़रूर जाएंगी, ऐसी एक कार। और यहाँ पर आपको क्वाट्रो की बैजिंग मिल जाएगी। इसमें आपको आगे भी चार पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, दो ये रहे और एक एक इन दोनों फॉग लैम्प के स्टेशन पर है। इसमें आपको यहाँ पर पार्किंग सेंसर मिलेगा, उस तरफ भी मिलेगा। तो आगे की तरफ बात करें, इसमें 6 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। और ये है इसके 19 इंच के बहुत ही स्पोर्टी अलॉय व्हील्स, सिल्वर कलर में आपको ये मिलेंगे और सेंटर में आपको ऑडी का लोगो, ये भी इसको बहुत बढ़िया लुक देते हैं। और इसके सस्पेंशन की मैं बात करूँ तो बहुत बढ़िया सस्पेंशन आता है इसमें। मतलब छोटे मोटे या बड़े छोटे गड्ढों पे बिल्कुल फील नहीं होता कि गाड़ी ऊपर नीचे भी हो रही है। फिर ये है इसके विंग मिरर्स को बॉडी कलर प्लस नीचे यहाँ पर आपको ग्रे पार्ट मिलेगा। नीचे की तरफ यहाँ पर एक कैमरा है कि साइड प्रोफाइल देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया लुकिंग है ये हर एक डायमेंशन से, हर एक डायरेक्शन से। और इसका जो लुक है वो एकदम कॉम्पिटिटिव है, एक तरह से लैम्बोर्गिनी यूरस की तरह। तो एक बार इसकी चाबी देख लेते हैं। लॉक अनलॉक और बूट का बटन है, इसको दो बार दबाएंगे तो बूट अपने आप खुल जाएगी। और क्योंकि ऑडी की कार है, आपको इसमें अगर अनलॉक बटन को ज़्यादा देर तक पुश करके रखेंगे तो कांच और सनरूफ ओपन हो जाएगी। ये बहुत ही कूल फीचर है इस कार का। तो बंद कर देते हैं। इसमें आपको बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स मिलेंगे और रिक्वेस्ट सेंसर इसमें नहीं मिलता है, बस एक ये कटआउट पीस है। चाबी पर ये ऑडी की बैजिंग आती है नीचे की तरफ और पीछे एम्प्टी है। फिर अब इसके एकदम स्टनिंग रियर प्रोफाइल पे आए तो इसमें आपको ऑफकोर्स सेम आगे जैसा LED पैटर्न मिल जाएगा टेल लैंप्स में। फिर यहाँ पर पियानो ब्लैक में एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रिप मिल जाएगी जिसमें चमकता हुआ ये ऑडी का लोगो। फिर यहाँ पर ऑफकोर्स Q8 की बैजिंग और 55 TFSI क्वाट्रो, ये पेट्रोल इंजन है। और इसमें भी आपको पीछे की तरफ 4 पार्किंग सेंसर्स और साइड में वापस से एक एक दोनों तरफ हैं। तो इस कार में टोटल 12 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे और कैमरा आपको यहाँ मिल जाता है। तो अब इसकी बूट देख लेते हैं। दो बार दबाते ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली ओपन हो जाएगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और आप ये बटन दबाएंगे तो बंद हो जाएगी। फिर इसमें 605 लीटर्स की एकदम मैसिव बूट स्पेस आती है। यहाँ पर साइड में पॉकेट्स मिल जाएंगी आपको और एक बॉडी की तरफ से एक किट है। तो यहाँ पर आपको दोनों तरफ LED लाइटिंग मिल जाएगी। इसको स्पेयर व्हील को एक्सेस करने के लिए ये हुक आता है, इसको यहाँ से दबाइए और खुल जाएगी। इसमें आपको फुल साइज़ का अलॉय व्हील ही मिलता है स्टेपनी में और सारा टूल किट और जो
बॉडी कंप्लीट करने का है, किट वो है इसमें। और यहाँ पर आपको ये शेड मिल जाएगी, इसको खींच के एक सेकंड पॉज करेंगे तो रुक जाएगी और अपने आप एक बार थोड़ा सा पुश करा तो वापस चली जाएगी। बहुत कूल फीचर है ये। यहाँ पर आपको एक 12V का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है, जो कि बढ़िया बात है। वैसे इस रेंज में यूजुअली एक्सपेक्ट करते ही हैं अपन कि ये बूट में भी आपको कोई ना कोई चार्जिंग पॉइंट मिल जाए। आपको यहाँ पर दोनों तरफ LEDs ही मिलेंगी। एक बार दबाया तो ये इजीली बंद हो गई। रियर मिरर में आपको वाइपर और डिफॉगर मिलता है, जो कि आप एक्सपेक्ट तो क्या हमेशा ही होता है। और शार्क फिन एंटेना, ये इसमें सिल्वर कलर के रूफ रेल्स, जो कि एकदम बॉडी में इंटीग्रेटेड टाइप से हैं, जो अच्छा लुक देते हैं एकदम। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे दोनों तरफ, और इसका एग्जॉस्ट वेंट आपको दोनों तरफ सेम पैटर्न में मिलेंगे। और क्रोम की और सिल्वर की यहाँ पर प्लेटिंग है, जो कि इसको और भी ज़्यादा अपीलिंग लुक देती है। और नीचे की तरफ ग्रे कलर में बम्पर है। इसके सेफ्टी फीचर्स आपकी स्क्रीन पर होंगे, आप पॉज करके देख लीजिए। अब इसके इंजन की बात कर लेते हैं। तो ये इसका 55 PSI क्वाट्रो पेट्रोल इंजन है। को ऑडी या इस सेगमेंट की कार्स की ये सबसे बढ़िया बात लगेगी कि आपको जो हुक होता है, जो करना पड़ता है ऊपर नीचे, वो नहीं करना पड़ेगा। केवल आप खोल दीजिए और ऊपर कर दीजिए, कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें ऑलरेडी ऐसे वाले स्टैंड आते हैं। और इसके इंजन स्पेक्स की बात कर लेते हैं। 55 TFSI है, 3.0 लीटर का इंजन है। इसमें 335 BHP ऑफ पावर विद 500 Nm ऑफ टॉर्क, और माइलेज आपको इसमें केवल 9.8 KMPL की मिल जाएगी, जो कि थोड़ी कम लगती है। बाकी इंजन बहुत पावरफुल है। इसमें ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर मिलेगा 8 गियर्स के साथ, यानी 8 स्पीड आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाएगा। और इसकी राइड क्वालिटी, सस्पेंशन वगैरह, उसकी तो तारीफ जितनी करें उतनी कम है, इतनी बढ़िया कार है ये। तो अब इसके इंटीरियर्स में चलते हैं, जो कि आपको ऑडी की तरफ से मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स और द नेक्स्ट सेगमेंट, और इस प्राइस रेंज में यानी कि बहुत बढ़िया मिलेंगे। तो एक बार इसके डोर को देखिए, ये फ्रेमलेस डोर जो इतना बढ़िया लगता है, और एकदम लाइट फील होता है ये। और यहाँ पर आपको सिल्वर इंटीरियर डोर हैंडल्स मिल जाएंगे, और सिल्वर पैटर्न, जो कि बहुत बढ़िया है। यहाँ पर आपको लेदर, हार्ड लेदर फिनिश मिल जाएगी ब्राउन कलर में। और ये बहुत बढ़िया लगा मुझे कि इसमें आपको दोनों डोर्स पे, रियर दोनों डोर्स पे आपको दोनों विंडोज़ के कंट्रोल मिलते हैं, और सारी विंडोज़ इसमें वन पुश डाउन एंड वन पुल अप मिलती हैं। यहाँ से ये हो गया, और सामने के भी आप यहाँ से ही कर सकते हैं। देखिए, बहुत बढ़िया फीचर लगा मुझे इसमें। यहाँ पर एक कॉइन पॉकेट आ जाती है, जिसके लिए आपको एक वन पुश में कंपार्टमेंट मिल जाएगा। ये भी बहुत बढ़िया लगा मुझे। और ये है द लग्जरी कलर ऑफ द ऑडी कार्स, दिस ब्राउन कलर विच गिव्स द अल्टीमेट फीलिंग ऑफ लग्जरी इन ईच एंड एवरी ऑडी कार। तो इसमें आपको तीनों हेडरेस्ट मिलते हैं, जो कि ऑफकोर्स इस सेगमेंट में आप मिस बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, और तीनों ही एडजस्टेबल हैं। यहाँ पर आर्म रेस्ट की बात करें, तो इसमें ऐसे आप यूं करेंगे तो ये ईजिली ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको दो कप होल्डर्स मिलते हैं, वन पुश में आप इनको ओपन कर सकते हैं और सिंपली क्लोज। बहुत ही कंफर्टेबल लेदर आर्मरेस्ट है, और ये कार भी ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। आपको इसमें पीछे की तरफ सनशेड मिल जाएगा, बट यहाँ पर दोनों विंडोज़ में नहीं मिलेगा, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। बाकी आपको चार चार एसी वेंट्स मिल जाएंगे पीछे दोनों ये पिलर पे और यहाँ पर। और इसमें जो बहुत ही बढ़िया बात है, वो है कि इसमें आपको 4-zone क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, यानी कि आपको चारों जोन, ड्राइवर, को ड्राइवर और जो लेफ्ट राइट रियर में हैं,
उनके लिए अलग अलग टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम मिल जाएगा, विच इज एब्सोल्यूटली आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग। तो माइनस पे ऐसे रख दीजिए तो अपने आप कम हो जाएगा, और नहीं तो आप स्लाइड करके भी कर सकते हैं, जैसा कि शकोड़ा कुशाक में भी था, मैंने बताया है उस वीडियो में। यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं, ऑन, ऑटोमेटिक, बहुत बढ़िया सिस्टम है इसमें। सेंसिटिविटी टच की बहुत ब्रिलियंट है। ब्लोअर ऑन ऑफ का आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, और ये भी बहुत बढ़िया है। नीचे कारपेटिंग भी बहुत बढ़िया है, नी रूम भी अच्छा है, आपको पॉकेट्स मिल जाएंगे, इसमें रोप की पॉकेट्स आती हैं जैसी A4 में भी है। और नीचे की तरफ आपको यहाँ पर एक 12V का आउटलेट और एक सिगरेट लाइटर मिल जाएगा, ये देखिए, विच इज अगेन नाइस, बट अगर USB चार्जर होता तो डेफिनेटली बेटर रहता। और ये है इसकी सनरूफ। कार की सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं, और इसमें जो हाइट है वो भी काफ़ी बढ़िया तो नहीं कहूँगा, बट स्टिल एकदम सफिशियंट है। और आपको इसमें जो फील आता है बैठने का और ड्राइव का, वो बहुत ही फैबुलस है, एकदम ए क्लास। यहाँ पर आपको एक मैसिव स्पीकर मिल जाएगा, और पिलर्स पे ट्विटर्स मिल जाएंगे, और दोनों जगह ऐसा ही है। तो ड्राइवर डोर पे देखें तो सारी डोर्स आपको इसमें फ्रेमलेस मिल जाएंगे, और पैटर्न वही सेम है। यहाँ पर लॉक अनलॉक, और जैसा कि मर्सिडीज़ और इस हाई एंड कार्स में होता है, मेमोरी सीट्स का ऑप्शन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स आती हैं, तो दो जनों के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, कि जैसे ड्राइवर हो गए या कोई भी जो इस कार को रेगुलरली चला रहे हैं, तो जैसे फर्स्ट पर्सन अगर मैं हूँ और मैं कार चला रहा हूँ, तो मैंने एक बार सेट कर दिया, तो मतलब मैं अपनी सीट को एडजस्ट करने से पहले अगर सेट दबा के वन कर दूँ, तो अब जो मैं सीट को जैसे भी एडजस्ट करूँगा वो मेरी सीट बन जाएगी। तो अगली बार जब मैं चलाऊँगा और वन दबाऊँगा तो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, केवल ये बटन दबाए और सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको RVM के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ये भी बहुत बढ़िया पैटर्न में है और बहुत ही हैंडी सा है ये। और यहाँ पर आपको ऑल फॉर पावर विंडो कंट्रोल्स, और ये विंडोज़ के लिए भी है एक बटन, और चाइल्ड लॉक के लिए भी है, एक से विंडोज़ लॉक हो जाएंगे और एक से चाइल्ड लॉक ऑन। यहाँ पर आपको बूट खोलने का मिल जाएगा बटन, और अम्ब्रेला पॉकेट भी मिल जाएगी, यहाँ पर 1 लीटर बॉटल रखने की स्पेस है। यहाँ पर स्पीकर और ट्विटर आपको यहाँ की बजाय यहाँ मिलते हैं, नीचे की तरफ प्लेसमेंट है, इसमें आपको हर एक तरह के एडजस्टमेंट मिल जाएगा। तो ये है इसका स्टीयरिंग व्हील, इसमें आपको ऑफकोर्स टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट मिल जाएगा। इधर से आपको हेडलैम्प का टॉगल मिल जाएगा, ये आपको वाइपर का टॉगल मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्रूज कंट्रोल जैसा कि कुशाक में भी है। और यहाँ से आप इस वाले वेंट की जो ब्लोअर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और ये ऑल वेदर लाइट्स का फंक्शन है, जो मतलब कहीं पर भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, कैसा भी वेदर हो। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और रियर लाइट्स का है ये, और ये टच बटन है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वाला केवल ये टच बटन है, बाकी दोनों आपको पुश करने रहेंगे। तो इसमें आपको यहाँ पर इंफोटेनमेंट स्क्रीन और ब्लूटूथ टेलीफोन के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, वॉइस कमांड के मिल जाएंगे, और उल्टा है यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का, इससे आप व्यू चेंज कर सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है। इसमें आपको कंप्लीट इन्फो मिल जाएगी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, यहाँ पर आपको मीडियम मोड मिल जाएगा जो भी है, और नेविगेशन वगैरह के, इधर आपको स्पीड और एफिशिएंसी भी मिल जाएगी, फ्यूल एफिशिएंसी आपको ऐसे टैकोमीटर में मिल जाएगी, टैकोमीटर टाइप में, और यहाँ पर आपको स्पीड मिल जाएगी, और ये इसकी जो लास्ट स्पीड थी जब लास्ट कार चली थी वो है। और यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी, नीचे की तरफ आपको टाइम, वेदर, टोटल किलोमीटर्स, और ये ट्रिप ए ट्रिप बी वाले हैं। फिर इधर से आप मीडिया को यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं, ये आपको मोबाइल का मिल जाएगा, कार में आते ही आपका फ़ोन इससे कनेक्ट हो जाए वाला फीचर है। फिर नेविगेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इससे आप टॉगल से आप जूम आउट और जूम इन भी कर सकते हैं, नीचे करेंगे तो जूम इन हो जाएगा और ऊपर करेंगे तो जूम आउट। फिर आपको इसमें पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, 8 स्पीड का इसमें है, और यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी भी मिल जाएगी। फिर
एनर्जी कंज्यूमर्स जो मतलब सबसे ज़्यादा कार की एनर्जी कंज्यूम करते हैं जैसे एसी, तो ऑफ कोर्स बहुत बैटरी लगती है उसमें। ड्राइव असिस्ट मिल जाएगा यहाँ से आप, मतलब एक तो पार्किंग सेंसर्स का इफेक्ट है ये, और आपको इससे आगे का भी थोड़ा सा व्यू नहीं बट सेंसर्स से जो होता है ना वो पता पड़ जाएगा कि कोई कार आ रही है या कुछ भी आ रहा है, कोई जना है या कुछ भी। और इसमें आपको काफ़ी सारी वार्निंग्स मिल जाएंगी एक अलग से, यहाँ पर ये सेगमेंट वार्निंग का ही है। ऑफ कोर्स इसमें आपको ऑटो डिमिंग IRBM मिल जाएगा, और दोनों सनवाइजर पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाएंगे, और ऊपर की तरफ स्मार्ट लाइट है, नॉर्मल स्लाइडिंग्स हो जाएगी, इधर भी सेम है ये रही लाइट। इस पैनल की बात करें तो इसमें आपको यहाँ पर टच लाइट मिल जाएगी जो कि बहुत बढ़िया है और काफ़ी रेस्पॉन्सिव है। यहाँ पर आपको सनरूफ ओपन करने का मिल जाएगा। ऑफकोर्स इस सेगमेंट में आप अगर वन पुश सनरूफ नहीं देंगे तो वो बहुत डिसअपॉइंटिंग रहेगा। और ये सनरूफ के शेड का है, यहाँ से आप सारी लाइट्स को ऑन कर सकते हैं। और एक ये पार्क असिस्ट के लिए है, और ये इसका ग्लव बॉक्स है, काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल जाएगी आपको इसमें। और आप यहाँ पर एक स्पेस है, यहाँ पर आप लगवा सकते हैं, ये दिख नहीं रहा है वीडियो में क्योंकि थोड़ा अंदर की तरफ है। और यहाँ पर आप SD कार्ड या CD के लिए पोर्ट लगवा सकते हैं। आपको ड्राइव सेलेक्ट मोड मिल जाएगा, ट्रैक्शन ऑन ऑफ, पार्किंग ब्रेक और डिफॉगर्स के हैं, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन पहले यहाँ पर मिल जाएगी। ये इसका फुल्ली टच AC है, इसमें आपको थोड़ा लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। और इस स्क्रीन का बेस्ट पार्ट ही आपको ये मिल जाएगा, आप इसको ऐसे करके ऊपर नीचे कर सकते हैं, ड्रैग कर लिया फिर इजीली आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इधर भी सेम है जो कि बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, इससे ब्लोअर की स्पीड ऑटोमेटिक ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। काफ़ी देर लगती है, थोड़ा सा ये कम रिस्पॉन्सिव है बाकी स्क्रीन के हिसाब से। और यहाँ से आपको बाकी कंट्रोल्स मिल जाएंगे, यहाँ पर पार्क असिस्ट मिल जाएगा, और आप इसको करेंगे तो यहाँ पे भी इंटीग्रेट हो जाएगा, आप यहाँ से सीधा होम स्क्रीन में या फिर जो कंट्रोल्स हैं ऑडियो के उनको कर सकते हैं। और ये फीचर अभी चालू नहीं है इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी। बहुत स्लो स्क्रीन लग रही है मुझे तो इसकी, जब भी मैं अभी चला रहा हूँ। और यहाँ से आपको पावर वॉल्यूम के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ से आपको ड्राइव असिस्ट मिल जाएंगे, स्पीड वार्निंग, ऑडी प्री सेंस जो कि मैंने आपको इधर भी दिखाया था ड्राइव असिस्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, और रीसेट रिकमेंडेशन। यहाँ से आपको पार्किंग कैमरा मिल जाएगा, तो आप इसको दबाएंगे तो आपको ये सब कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक एक्टिवेशन, रिवर्स कैमरा को क्लीन करने का, फ्रंट वॉल्यूम लो, रियर वॉल्यूम जो सेंसर्स की है, और एंटरटेनमेंट फेडर यानी कि जब रिवर्स कैमरा या मतलब कैमरा चल रहा है तब आपको म्यूज़िक कम सुनाई देगा जो एकदम फेड हो जाती है वॉल्यूम वैसे। फिर पार्क असिस्ट है इसमें जो कि अभी अवेलेबल नहीं है, चालू नहीं है इसलिए। वंस अगेन आई मस्ट से इसकी टच स्क्रीन बहुत ही स्लो है, तो थोड़ा सा आपको कम जमेगा क्योंकि आपको इस रेंज में अगर इतनी स्लो स्क्रीन मिलेगी तो फ्रस्ट्रेटिंग ज़रूर हो सकता है। फिर यहाँ पर आपको एक कप होल्डर मिल जाएगा, ऑडी की तरफ से एक बॉक्स मिल जाता है, नॉर्मली आप कुछ भी रख सकते हैं इसमें। और यहाँ पर एक सिगरेट लाइटर भी है, बट कार में बिल्कुल भी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। और ये इसका बहुत ही स्पोर्टी गियर नॉब है, आपको इस मैनुअल का ऑप्शन नहीं मिलता है, ऑफकोर्स इस रेंज में आपको नहीं मिलता है। और यहाँ पर आपको रिवर्स, न्यूट्रल, पार्क और ड्राइव और स्पोर्ट्स मोड, पार्किंग ब्रेक और ऑटोमेटिक ऑन ऑफ। फिर यहाँ से आप इसको इजीली पुल कर सकते हैं, कोई बटन वगैरह नहीं है। वायरलेस चार्जिंग पैड आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो कि बहुत ही बढ़िया बात है, और साइड में थोड़ी स्टोरेज स्पेस फॉर लाइक कॉइन और समथिंग। और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे दो USB चार्जर्स जो जिनमें से एक फास्ट चार्जर है, और ये भी आपको थोड़ा सा हार्ड लेदर का मिल जाएगा बट स्टिल वेरी कम्फर्टेबल। इसमें आपको यहाँ पर लेदर मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको लेदर केवल सीट्स में एकदम सॉफ्ट मिलेगा, बाकी आपको हार्ड लेदर मिलेगा तो वो उससे कार को काफ़ी स्ट्रेंथ मिल जाती है एक तरह से। तो बात कर लेते हैं इसकी स्क्रीन की।
इसमें आपको एक बेसिक इंटरफेस मिलता है ट्रिपल स्क्रिप्ट के साथ, इधर जो रेडियो का है, फिर टेलीफोन का और नेविगेशन का, और ये थोड़ी सी या थोड़ी ज़्यादा कम रेस्पॉन्सिव है। देखिए ये इसका नेविगेशन है, आपको जूम इन जूम आउट में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ये बेस्ट पार्ट लगा है मुझे अभी तक तो स्क्रीन का, ऐसे अभी ज़्यादा चलाई नहीं है तो अभी बात कर लेते हैं। थोड़ी कम रेस्पॉन्सिव है जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके वाले बटन्स पर भी कंपैरेटिवली ज़्यादा रेस्पॉन्सिव हैं, बट आई फील कि इसमें आपको स्टिल बेटर स्क्रीन मिल जानी चाहिए थी। अपन एक बार केवल कार और सेटिंग्स की बात कर लेते हैं। ऑप्शन में आपको क्या क्या मिलता है, ड्राइव सिलेक्ट, एफिशिएंसी असिस्ट, सीट्स, एसी, सेटिंग्स एंड सर्विस, ड्राइव असिस्ट, पार्किंग एड, लाइट्स एंड विजन और फेवरेट्स। ड्राइव सिलेक्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाता है, तो ये एक मेन्यू आ जाती है, इंडिविजुअल, डायनामिक, ऑटो, कम्फर्ट, एफिशिएंसी और ऑफ रोड के मिल जाएंगे आपको ऑप्शन। इसका होम बटन सबसे बढ़िया है। और सेटिंग्स में जाते हैं, उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं हेल्प, यूजर्स और मैसेजेस। इसमें आपको वायरलेस, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग्स में आपको जनरल, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, लैंग्वेज एंड कीबोर्ड, साउंड, एंटरटेनमेंट, कनेक्शन सेटिंग्स, कनेक्टेड डिवाइसेस, सिस्टम्स, सिस्टम मेंटेनेंस, नेविगेशन, टेलीफोन, कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, नोटिफिकेशंस, अनाउंसमेंट एंड साउंड। ये इसमें आपको ग्रीटिंग साउंड है उसकी वॉल्यूम चेंज करने का मिल जाएगा ऑप्शन। तो ये था इसका टच स्क्रीन के बारे में। यहाँ से आप वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं और ज़्यादा देर दबाएंगे तो स्क्रीन बंद हो जाएगी और वन पुश में चालू। और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे और डायरेक्टली आप यहाँ से भी इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे साउंड सेटिंग्स हो गई, वाईफाई सेटिंग्स हो गई, कार सेटिंग्स हो गई नॉर्मल, यहाँ से यूज़र इनको। यहाँ पर आपको एडजस्टेबल सीट मिल जाएगी, इसमें ऑफ कोर्स बहुत ही बढ़िया साउंड सिस्टम आता है। और ये अभी मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं इसको फुल पे ले जाऊँ, क्योंकि अभी से ही बहुत लाउड साउंड हो गया था। और अगेन इसमें आपको हर एक बीट फील होगी और जस्ट फैबुलस स्पीकर सिस्टम इसमें। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने व्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।